नमस्कार भाई बहनों, देखिए आज मैं फिर एक नई जड़ी बूटी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में है और इसको आप लोग भली भांत पहचानते होंगे, खास करके हमारी बहनें तो ज़रूर पहचानती होंगी। तो आप ये देख लीजिए फूल, इसके ये फूल हैं और ये फल हैं इसके, आप देख पा रहे होंगे। और ये पत्तियाँ छोटी छोटी प्यारी सी पत्तियाँ हैं। तो इसको हम लोग, ये फूल देखिए कितना सुंदर है, ये फूल वगैरह। तो ये पेड़ आपका मेहंदी का है, ये मेहंदी का है। हमारी माताएं बहनें इसको श्रृंगार में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, हाथ में लगाने के लिए हो और बालों में भी लगाने के लिए। मेहंदी का खूबता है, खूब इस्तेमाल किया जाता है और हमारे आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप पहचान लीजिए पेड़ को। तो इसको लगाने का ये है, आप ताज़ा भी लगा सकते हैं। आप इसकी पत्तियाँ, कोमल पत्तियाँ तोड़ लीजिए और कोमल पत्तियाँ तोड़ने के बाद इसमें थोड़ा कत्था और चूना इसको मिलाइए और बांट करके आप अपने हाथ में, अपने पैर में इसको लगा सकते हैं। दूसरा, मेहंदी जो बालों में लगाते हैं, तो मेहंदी को आप इसके पत्ते वगैरह तोड़ लीजिए और इसके बाद पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद अपना इसको जार में रख लीजिए और जब भी आपको ज़रूरत हो तो इसको आप पानी में डाल दीजिए और उसको घोल दीजिए। अगर आप गरी का तेल डालना चाहें तो गरी का तेल भी इसमें डाल सकते हैं। और इसकी तासीर ठंड होती है, मेहंदी की तासीर ठंड होती है, इसीलिए आयुर्वेद में अगर किसी को शरीर में गर्मी है या किसी को बीपी हाई है तो इसको खाने की भी सलाह दी जाती है। आप इसको खा भी सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं करेगा। पर प्रायः हमारी माताएं बहनें इसको श्रृंगार में यूज करती हैं और इसको, मेहंदी को, हाथों में लगाने के लिए, पैरों में लगाने के लिए और आपके बालों में लगाने के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर करती हैं। तो इसको पाउडर को घोल लें और इसके बाद अपने जड़ों तक, बालों के जड़ों तक इसके मसाज करें और रात भर लगा रहने दें, पूरी रात लगा रहने दें। इसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये ठंडा होता, बढ़िया रात में नींद आएगी आपको। तो इस तरीके से मेहंदी का सेवन आप कर सकते हैं और मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पहचान लीजिए अच्छी तरह से। तो ये देखिए फल हैं इसके, ये फूल हैं इसके और ये मेरे पीछे देखिए कितना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है, ये पूरा मेहंदी का पेड़ है। तो आप पहचानें और इसको इस्तेमाल करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें अगर नए भाई बहन हैं, और बेल आइकन ऑन कर लें क्योंकि मैं ऐसी जड़ी बूटियों की वीडियो लाता रहता हूं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। सभी भाई बहनों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।